ये जो सेशंस जो चल रहे हैं सेमिनार हॉल में, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड क्लास सेशंस हैं। भारत को ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है, तो ग्लोबल फैक्ट्री में कहीं ना कहीं भारत हमको अपना कमिटमेंट, इंडस्ट्री को कमिटमेंट दिखाना होगा, विशेष तौर पर एनवायरनमेंट के प्रति, कि हम एनवायरनमेंट के प्रति कितने सशक्त हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री का नारा है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, उस पर काम किस तरह से हो रहा है। इसमें आज के जो सेशन चल रहे हैं उनमें पॉलिसी मेकर्स भी हैं, ACS एनवायरनमेंट मनोज सिंह साहब खुद आए हैं, हमारे काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आर सेल्वम साहब वो हैं, और इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। ये इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट सस्टेनेबल कैसे बने और किस तरह से हम वर्ल्ड को एंश्योर कर सकें कि आने वाला भारत लीडर है, और आगरा की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल सेक्शन चल रहा है सेकंड दूसरा, तो किस तरह की टेक्निकल की सर युवाओं की कितनी बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो दूसरा सेशन होने वाला है युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें स्मार्ट शूज़ पर और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द शू मेकिंग पर कैसे और क्या हो सकती है, और आगरा के मतलब यहाँ के युवाओं को इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं हैं और किस तरह से वो अपने स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा सेशन जो है वो फाइनेंस पर है, बैंकिंग और वेंचर कैपिटल पर है, कि स्टार्टअप्स को अपना वेंचर कैपिटल कैसे मिल सकता है, किस तरह से अपनी रिस्क को कवर कर सकते हैं, और बहुत बड़ी संभावनाएं इस इंडस्ट्रीज़ में हैं। हमेशा स्टूडेंट्स को, इस आने वाली पीढ़ी को ये सोचना पड़ेगा, एजुकेशन इज प्रोसेस टू लर्न, ये सीखने की लिए एजुकेशन होती है, न कि डिग्री हासिल करने के लिए। डिग्री हासिल करके नौकरी के लिए जो लोग जाएंगे वो मात्र उनको निराशा लगेगी, क्योंकि 7% से अधिक नौकरियां नहीं हैं, 7% लोगों को ही जॉब मिलेगा, 92% अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि वो 92% की लाइन में लगे, वो अपने उद्योग खोलें, अपने उद्योगों में आगे बढ़ें, अपने स्टार्टअप्स खोलें, और बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक स्टोरी की और सही तकनीक की आवश्यकता है, और बहुत सारी संभावनाएं इस उद्योग में हैं, इस सारी चीज़ों पर मनन किया जाए। बहुत बढ़िया। हम लोग स्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे हैं, हम लोग मशीनरीज ट्रेड करते हैं, प्लांट एंड मशीनरीज हम लोग बेचते हैं, स्टार्टिंग से लेके डिज़ाइनिंग से लेके फिनिशिंग तक सारी रेंज ऑफ मशीन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारे जो सेगमेंट्स ऑफ मशीन्स पे रहते हैं, बेसिकली हम लोग फैंसी शूज़ के लिए करते हैं, सेफ्टी शूज़ के लिए करते हैं, एंड स्पोर्ट शूज़ के लिए करते हैं। तो इस रेंज में किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कटिंग से फिनिशिंग तक, हम पूरे टर्न की प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और इंडिविजुअल मशीन्स भी अवेलेबल होती हैं। सर, आपने ये 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई, इसमें आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला? यहाँ पर हमारी प्रदर्शनी में, हम काफ़ी जितने साल से प्रदर्शनी शुरू हुई है तब से हम लोग प्रदर्शनी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारा प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट रहता है कि लोगों को पता रहता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। हमारा अपना ऑफिस भी बेसिकली आगरा में है, तो जो हम वर्किंग करते हैं यहाँ पर। सर, यहाँ पर 3 मिनट का आपको क्या रेस्पॉन्स मिला? आज थोड़ा सा वीक है, बट कोई बात नहीं, वर्केबल रहती है, अभी तो वीक ही रिस्पॉन्स है, आ जाएगा, इसको बेटर हो जाएगा आज तक। हम हरमन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, वी आर 60-year-old कंपनी। हम लोग 60 साल से फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर मशीन सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, हमारी ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया में है और हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है। आप ये किस तरह की मशीनें बनाते हैं फुटवेयर के? आप कंप्लीट लाइन का सेटअप ले सकते हैं, कन्वेयर लाइन लगती है फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर, लास्टिंग मशीन्स लगती है, उसकी पूरी लाइन लगती है, कन्वेयर बेल्ट लगते हैं, तो वो सारी हम लोग सप्लाई करते हैं। फिर अपर मेकिंग के लिए जो मशीन्स लगती है वो भी हम सारी सप्लाई करते हैं, विद स्प्लिटिंग मशीन्स हो गए आपके, स्टिचिंग मशीन्स हो गए, फोल्डिंग मशीन्स हो गए, वी सप्लाई ऑल ऑफ देम। एंड टुडे नाउ इन टेक्नोलॉजी विद द एडवांसमेंट कमिंग इन, वी आर ऑल्सो सप्लाइंग डायलेस कटिंग मशीन्स एज वेल and auto stitchers as well. So with the new technology coming in, India should move forward with the new. ये आगरे पे 3 दिन की प्रदर्शनी लगी, इसका कैसा रेस्पॉन्स आपको मिला? अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है ये टाइम पे, FMEC has really organized the event really well, and we are hoping to do a lot of business from this fair. क्या पहले भी आप इस प्रदर्शनी में भाग ले चुके हो? हाँ, हम उनके फर्स्ट एडिशन से ये एडिशन तक हम लोग ने हर साल पार्टिसिपेट किया है FMEC में, वी हैव ऑलवेज बीन देयर एंड दे हैव बीन ग्रेट ऑर्गेनाइजर्स। पहले कम दुकानें थी, अब कुछ ज़्यादा? हाँ, अभी काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है, स्टॉल्स काफ़ी बड़े हैं, बड़े रूप में हो रहा है,
एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर से और बड़े रूप में किया जाए ये, तो इट वुड बी गुड फॉर द मार्केट फॉर आर इंडस्ट्री। विदेशों से भी कुछ ऑर्डर आपको लोगों को पास आते हैं? हाँ आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, इनफैक्ट हम भी, हमारे भी इटालियन प्रिंसिपल्स आते हैं एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेट, सो इट्स अ गुड एक्सपोजर फॉर एवरीबडी। और मेरा ये कंपनी जय इंटरनेशनल, और हमारा जो है लेदर ट्रेडिंग का काम है, लेदर सप्लाई करते हैं शू फैक्ट्रीज में। तो किस किस प्रकार के लेदर मार्केट में है? मार्केट में इस वक्त ज़्यादातर तो मेन जो एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हैं उनमें क्रस्ट की ज़्यादा डिमांड है, और बाकी फिनिश लेदर्स हैं, तो काउ गोट शीप सब चीज़ें चलती हैं, और जो कि ज़्यादातर चेन्नई और कानपुर से आता है माल, और इम्पोर्टेड माल जो है वो इजिप्ट से आता है। सर आपने 3 दिन की प्रदर्शनी को लगी है, इसमें क्या विशेषता और क्या कहते हैं आपको ऑर्डर? इसमें सब लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, सब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो सब लगी हैं। फैक्ट्री वाले तो लोकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, फिर सब आते हैं और नए डेवलपमेंट्स देखते हैं, और कुछ जो वो ले रहे होते हैं ऑलरेडी हमसे, उनके अलावा उनको और नई चीज़ें मिल जाती हैं। क्या कुछ एक्सपोर्ट बाहर से भी आए हुए? हाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, विदेश से मैंने देखे तो कई सारे, आप कहाँ कहाँ के हैं तो नहीं पता, पर कुछ लोग तो ये हैं यहाँ पे विदेश के। क्या बाहर के भी कुछ ऑर्डर आपको मिल रहे हैं? नहीं, बाहर के ऑर्डर तो आगरा फेयर में तो आप बाहर के ऑर्डर की उम्मीद नहीं रख सकते, ये आगरा की लोकल इंडस्ट्री जो है इंडियन जो उसको कैटर करती है। हमास और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, तो इससे किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? नहीं, इससे कोई प्रभाव। या माइसेल जीसी गिरी बेस्ड ऑन दिल्ली एंड ही इज मिस्टर प्रभंजन राजा बिलोंग्स टू चेन्नई, सो आवर कंपनी इज बेस्ड ऑन स्पेन एंड एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ जी जी ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रॉम लास्ट 4 years वी आर डूइंग दिस बिजनेस एंड वी हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द आगरा मार्केट, एंड वी हैव सम ऑथोराइज डीलर इन दिल्ली एंड ऑथोराइज डीलर इन आगरा, जलंधर ऑल्सो वी आर हैविंग। सो जस्ट नाउ वी आर डूइंग सम बिजनेस, so we are hoping in the future also we have got very good business regarding this। सर, आगरा में 3 दिन की प्रदर्शनी में आया, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? हम लोग जो इसमें आए हुए हैं, कल तो थोड़ा सा कम था, लेकिन आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अभी तक तो कुछ कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे, और जनरली अच्छा ही सब कुछ लग रहा है जी। मतलब कुछ ऑर्डर वगैरह को बुक हुए या कुछ ऑर्डर और मतलब वो करा गया ट्रायल के लिए बुलाया पार्टी? नहीं, काफ़ी लोगों को ट्रायल हमने को बुलाया हुआ है, और हम जाने वाले हैं वहाँ पर ट्रायल करने के लिए, और ट्रायल पर अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी कंपनी किस किस तरीके का माल बनाती है? हमारे पास पे जो है सर, लेदर केमिकल्स के भी हैं सर, और उसके बाद में सूफ फिनिशिंग में, जैसे मैंने बताया पिछले 4 सालों से बना रहे हैं हम लोग, और हमारे पास में मीडियम साइन क्रीम है, हाई साइन क्रीम है सर, कुछ प्यूर सॉफ्ट कोट्स हैं, कुछ हैंड फिनिश है सर, उसके बाद कुछ ऑयल्स है हमारे पास में, वेलर सेडोसा है हमारे पास में जी। क्या इससे पहले भी आप यहाँ पे इस पर? हाँ, दिस टाइम ये सेकंड ईयर है हमारा जो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।